उधर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जहां मोदी सरकार पर लोकतंत्र अपहरण करने जैसे आरोप लगाकर बड़े हमले किए, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों की जमकर तारीफ की। साथ ही ये बताने की भी कोशिश की कि देश में अब तक जो भी विकास हुआ है उसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर लोकतंत्र अपहरण करने जैसे कई आरोप लगाए। सैम पित्रोदा के साथ प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस नेता महेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान सैम पित्रोदा ने प्रेस वार्ता की शुरुआत देश की आजादी के जिक्र के साथ की। उन्होंने कहा कि तब गांधीवादी विचारधारा का काफी जोर था। कांग्रेस सरकारों का देश के विकास में अहम योगदान रहा। कांग्रेस नेता राजीव गांधी देश में टेली कम्युनिकेशन और सूचना तकनीक की क्रांति लेकर आए, जिसने देश में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए। फिर राजीव गांधी के जमाने में हमें टेलीकॉम पे काम करने का मौका मिला। राजीव गांधी गेव पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड टू बिल्ड आईटी एंड टेलीकॉम। उस वक्त देश में 20 लाख फोन थे, अभी देश में 1.2 बिलियन फोन्स हैं और हम 150 बिलियन डॉलर वर्थ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हर साल करते हैं। सैम पित्रोदा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इन 5 सालों में देश में लोकतंत्र का अपहरण किया गया। आज आपसे पूछा जाता है कि आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, सवाल पूछने की आजादी पर पाबंदी है। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पूछा तो हमें देशद्रोही कहा गया। सत्य जरूर सामने आएगा, आज नहीं तो कल सामने आएगा। पिछले 5 साल में देश की व्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। हमने बालाकोट के बारे में पूछा, सब लोग कहने लगे देशद्रोही हैं। आप कौन हैं हमें देशद्रोही कहने वाले? हमें जो कहना है वो कहेंगे। ये डेमोक्रेसी है। As a senior citizen, I have all the rights to ask questions. पित्रोदा ने न्याय योजना के बारे में कहा कि ये देश की गरीबी पर बड़ा हमला साबित होगी। जब नरेगा योजना लाए तब भी लोगों ने सवाल उठाए कि इतना पैसा कहां से आएगा। इस योजना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि ये योजना गरीबी खत्म करने के लिहाज से विश्व की सबसे अच्छी योजना होगी। हमने पहले नरेगा में यही किया था। उस वक्त भी लोग कहते थे कैसे होगा, पैसे कहां से आएंगे, वो हो गया। इस वक्त भी लोग पूछते हैं कैसे होगा, बहुत विचार किया गया इसके बारे में, ये होगा, मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के थिंक टैंक में शामिल सैम पित्रोदा ने मोदी सरकार पर कई प्रहार किए और आरोपों की झड़ी लगा दी। जाहिर है चुनावी माहौल है तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज रहेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।